नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी हां, आर्टिकल 370 पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर आपत्ति दर्ज की है। राहुल गांधी ने आखिरकार अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का ये जो फैसला है वो संविधान का उल्लंघन है। हमने देखा था कि किस तरह से राज्यसभा में कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था जम्मू कश्मीर राज्य के ये पुनर्गठन बिल का, और आज भी हमने देखा था कि जब अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी किस तरह से अमित शाह से तीखी बहस कर रहे थे। अमित शाह ने साफ कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना रुख साफ करे इस बिल पर, कि वो हमारे साथ है या नहीं है। अब राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है और ट्वीट से ये साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस बिल को लेकर। राहुल गांधी ने कहा है कि ये संविधान का उल्लंघन है, आर्टिकल 370 पर जो फैसला है सरकार का वो पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है। केंद्र सरकार का ये फैसला संविधान का उल्लंघन है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। राष्ट्र उसके लोगों से बनता है, न कि जमीन के टुकड़े से। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डालकर संविधान का उल्लंघन किया गया है, राहुल गांधी का ये कहना है। जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने से राष्ट्र एकता मजबूत नहीं होगी। तो अब राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, कांग्रेस का रुख साफ होता नजर आ रहा है। लेकिन जब अमित शाह बार बार पूछ रहे थे लोकसभा में कि कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे, वो हमारे साथ है या नहीं है, अधीर रंजन चौधरी तीखी बहस करते नजर आए। लेकिन अब राहुल गांधी का यह ट्वीट साफ करता है कि कांग्रेस इस बिल के पक्ष में नहीं है। R9 टीवी पर पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।